जी बिल्कुल, आसिफ बुखारी स्पीक्स में आपको खुशामदीद कहा जाता है। एशिया कप पर हम बातचीत करेंगे। दूसरा राउंड सुपर फोर राउंड जो है वो बिल्कुल अपने अख्ताम की जानब रवा दवा है। गुज़श्ता रात पाकिस्तान का मैच भारत के साथ जो है वो एक दफ़ा फिर शायकीन को देखने को मिला। तवक्को की जा रही थी कि कुछ ज़्यादा अच्छा मैच जो है वो इस दफ़ा होगा, होना भी चाहिए क्योंकि पोटेंशियल ज़रूर मौजूद है दोनों टीमों में, लेकिन एक दफ़ा फिर भारत ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आउट क्लास कर दिया। बड़े आराम से जो है मैच जीत लिया, बड़े मार्जिन से मैच जीत लिया। पाकिस्तानी ओपनर्स का मसला बिल्कुल जो है वो बदस्तूर बरकरार रहा और भारतीय जो फास्ट बॉलर हैं उन्होंने पूरी तरह से पाकिस्तानी ओपनर्स को तंग करके रखा, विकेट्स हासिल किए। फखरुज़्ज़मान जिन पर बड़ी उम्मीद लगाई रखी है वो रात को चले ज़रूर, लेकिन एक ऐसे तरीके से आउट हुए कि गो के वो अगर रिव्यू ले लेते तो शायद के वो बच पाते। सरफराज टीम कैप्टन ऊपर आए, एक अच्छी अलामत। मेरा ख्याल है पिछले दो अढ़ाई साल में ये पहली दफ़ा इस नंबर पर आए हैं बैटिंग करने के लिए, एक बड़ी अच्छी अलामत होती है क्योंकि कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अगर आगे जाकर कप्तान लड़ता है तो पिछले आने वाले खिलाड़ियों पर भी जो है वो उनका हौसला बढ़ता है। शुएब मलिक के साथ एक अच्छी शराकतदारी डाली, जब 58 पर 3 विकटें गिर चुकी थी तो काफ़ी मुश्किल थी, लेकिन वहाँ से 107 रन की पार्टनरशिप जो है शुएब मलिक और सरफराज ने बना डाली। आसिफ आए बाद में तो अच्छी हिटिंग की, 22 रन्स जो हैं वो एक ही ओवर में बना डाले भूवी के खिलाफ और 30 रन्स बनाने के बाद जो है वो आउट हो गए। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगा कि आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान ने 68 रन्स बनाए और अगर उन 68 में से 22 रन्स निकाल लेते हैं एक ओवर में तो 9 ओवर में सिर्फ पाकिस्तान ने जो है वो 40 रन्स बनाए और आखिरी 5 ओवर बिल्कुल ज़ाया किए गए। ज़ाया तो होने थे, जब आपके पास बिग हिटर नहीं है, शादाब खान, हसन अली कुछ बिग हिटर नहीं है, ठीक है। आखिरी 31 गेंदों में पाकिस्तान ने सिर्फ 26 रन्स बनाए, ठीक है। यहाँ से आप बॉलिंग का अंदाज़ा कर सकते हैं, भारतीय बॉलिंग और पाकिस्तानी जो डेप्थ बैट्समैन है वहाँ पर इनके जो क्लैश होती है तो डोमिनेट करती है भारतीय बॉलिंग लाइनअप जो है। भारतीय ओपनर्स जो हैं उनकी हम बाद में बात करेंगे। बुमराह की तारीफ मैं जरूर करूंगा, अनप्लेबल रहे, 29 रन्स दिए, 2 विकटें, किसी भी खिलाड़ी को जो है वो खुलकर खेलने का मौका ना दिया। और चहल कुलदीप यादव दोनों ने जो है वो 2-2 विकटें हासिल की, काफ़ी मयारी बॉलिंग की। और इसके अलावा जब भारतीय ओपनर आए तो बोर्ड पर मजमूआ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन इतना भी नहीं था कि जिस अंदाज़ में पाकिस्तानी जो बॉलर्स ने वो रन्स बनवा दिए, गो के फील्डिंग जो है उसका स्टैंडर्ड भी ख़राब रहा। जब आपकी टीम बिखरी होती है, जब वो परफॉर्म नहीं कर रही होती, तो फिर एक अच्छी फील्डिंग जो है वो भी बुरी फील्डिंग में जो है वो तब्दील हो जाती है। तो कुछ ऐसे किया, कैचेज ड्रॉप किए गए। और यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि शाहीन शाह आफरीदी इतने अच्छे बॉलर हैं कि अगर फील्डर साथ निभाएं तो वो हर मैच में 3-4, 3-4, 4-5 विकटें भी लेने की सलाहियत भरपूर रखते हैं। खैर, कैचेज छोड़े गए, बड़ी धुआंधार बल्लेबाजी की गई, 100 गेंदों में जो है वो 114 रन्स बनाए। शिखर धवन ने तेज़ खेले और जारहाना अंदाज में खेले, लेकिन कप्तान की मैं तारीफ ज़रूर करूँगा कि रोहित शर्मा जिस अंदाज में यहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं, ना सिर्फ बैटिंग कर रहे हैं, विकेट पर स्टे कर रहे हैं, साथ वाले खिलाड़ी को खिला रहे हैं और फील्डिंग में भी उनको वहाँ पर धोनी का साथ है, बॉलर्स को कैसे लगाना है, किसको लगाना है, मतलब पूरा एक होमवर्क उन्होंने किया हुआ है। और ये एशिया कप शुरू होने से पहले ये चर्चा बड़ा आम था कि कोहली नहीं है, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और पाकिस्तान शायद चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का जो एक बूथ है उस पर सवार था और कोहली का ना होने का फायदा पाकिस्तान को हुआ या ना हुआ, लेकिन भारत को फायदा जरूर हुआ। ज्यादा फोकस हो गए, ज्यादा तवज्जो से उन्होंने वो गेम खेल रहे हैं और आपने देखा होगा कि जब कोहली स्कोर नहीं करते थे तो भारतीय टीम जो है वो स्ट्रगल करती थी। सो अब ना रहा बांस ना बजी बांसरी, अब कोहली नहीं है तो भारतीय टीम ज्यादा अच्छा खेल रही है। पाकिस्तान के पास अभी भी मौका जरूर है क्योंकि अब डू और डाई मैच है कल बांग्लादेश के खिलाफ, जो टीम वहां से खेलेगी वो फाइनल में भारत के साथ जो है वो आमने सामने होगी। पाकिस्तान के चांसेस अभी भी हैं और यहां से जीतकर अगर फाइनल में पाकिस्तान टीम जाती है तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रेशर भारत पर होगा। पाकिस्तान तो पहले ही हार रहा है, 2 दफा हार गया उनसे, लेकिन फाइनल मैच में प्रेशर जो है वो भारत पर होगा। पाकिस्तान के लिए मौका होगा इस प्रेशर को जो है वो गेन करने का, क्योंकि भारत यकीनन 2 दफा जीत चुका है लेकिन रोज रोज जीतना इतना आसान नहीं होगा। आपको वीडियो ये पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करके बताएं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई वीडियोस लेने के लिए बेल का बटन आप जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर आए। अपना ख्याल रखिएगा।